मेरी मार शक्ति एवं पंच कमेटी झुकड़ी के शौकीन श्रोतागण के चरणों में कृष्णा डागुर की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार, राम राम झा जी। देखो साहब, राम राम झा तो ले लो, नाराज तो मत हो। कवि ने अपनी कलम को उठाया और बड़े ही प्यारे शब्दों में सजा करके दोहा के माध्यम से क्या लिख दिया। समय समय पर कीजिए बैर भाव और प्री, समय समय पर गाइए समय समय के गीत। और बाबा साहब, जिसे जिगड़ी की जननी कहा जाता है, माँ कहा जाता है, वह साखी। अब आप साकी सुनेंगे और किस तरीके से। तेरे बड़े बड़े कारोबार राज अधिक हो जाते हैं। तब धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा? तब धृतराष्ट्र ने कहा कि आज के युद्ध मैदान में क्या हुआ। तब संजय ने कहा कि राजन का बड़ा पुत्र दुर्योधन मारा गया। संजय की सुन के बाणी और भूप हृदय घबराता है और बुझता हुआ चिराग मही पे मुझ पे ना जाता है। सो इकलियो बचो कुटम को तजके आसुन से मुक्कु धोवे और कैसे राजा हिलकी भर के रोवे। और बाबा साहब, अब आ रही है झड़, और झड़ में कवि क्या जवाब दे रहा है। ये निकली हाय कई घबराए कई का करनी, कोई लख बेटन को हाल सौगर
की बहे देखियो कहे बिगड़ गई बनता, और कोई बेकसूर मरवाई राजा तेने कितनी चंता। और उपदेश में कवि क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है? और अरे नए नए कानून बदल गए, देखो साहब अपनी जीवन ने खाली कर लियो ने का तो बुआ मन जाना लग रहा और तुमको क्या रे जाड़े। और ये नए नए कानून बदल गए और ऐसी हुकूमत आई, अरे नए नए कानून बदल गए ऐसी हुकूमत आई, और मर्दों की चौधर खत्म हुई बन गई सरपंच लुगाई। और क्या कहा,
और सब बिना हम के माये अरे कोई कितने उपा पड़ पिए ले जाको जेठ गोद में किए ले अरे कोई कितने उपा पड़ पिए ले जाको जेठ गोद में खेले अब आ रहा बाबा साहब ढोला और ढोला में कभी क्या लिख रहा है सो जी और सुनो महाराज था नहीं कुरीपत के बल की था नहीं कुरीपत के बल की
तोरे पत ने उच्चारी खुशिया निकलो रक्त सौ गिरियो एक कासा
होवे पेड़ बबूरन के तू आम कहां से आवे गो।
अब आ रहा है बाबा साहब ढोला, और किस तरीके से चलिए मेरे।